नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैंड्रा गोरा ऑफिसिनेरम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यह एक पिक्यूलियर मेडिसिन है, या यूँ कहें कि यह एक रेयर मेडिसिन है। इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंड्रा गोरा ऑफिसिनेरम यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही रेयर है। यह बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती है रूटीन प्रैक्टिस में, लेकिन इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम है। यह पोडोफाइलम फैमिली से बिलोंग करती है, यानी जो पोडोफाइलम पैलेटम करके मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, यह उसी फैमिली से बिलोंग करती है। कई लोग जो है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंड्रागोरा और पोडोफाइलम जो है दोनों सेम मेडिसिन है, लेकिन ये दोनों जो है अलग मेडिसिन हैं। मैंड्रागोरा ऑफिसिनेरम जो मेडिसिन है, इसके गाइडिंग सिम्टम्स जो है वो इस प्रकार हैं। मैंड्रागोरा के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि स्टूल जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, और स्पेसिफिकली स्टूल का जो कलर होता है वो वाइटिश होता है। और अगर वाइट स्टूल के साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और यह दोनों प्रॉब्लम आप साइमल्टेनियसली साथ में फेस कर रहे हैं, तो आपको मैंड्रागोरा ऑफिसिनेरम मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो है वीकनेस पर या थकान पर। मैंड्रागोरा के पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। उसको ऐसा लगता है कि वीकनेस के कारण उसको इतना महसूस होता है कि उसको हमेशा सोने की डिज़ायर रहती है। उसको हमेशा लगता है कि मैं सो जाऊं या नींद ले लूं। उसको पूरे दिन नींद आती रहती है, वो थकान की वजह से होता है। तो मैंड्रागोरा ऑफिसिनेरम इस कंडीशन में भी बहुत ही कारगर है। तीसरा जो सिम्टम है वो है मेंटल कन्फ्यूज़न। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ चीज़ों को समझने में, कुछ इम्प्रेशंस को समझने में, उनको ग्रास्प करने में उसको कन्फ्यूज़न फील होता है। मैंड्रागोरा का जो पेशेंट है उसका एक पिक्यूलियर सिम्टम और होता है, जिसमें कि उसको टंग पर यानी जीभ पर उसको एक पिक्यूलियर टेस्ट हमेशा बना रहता है। वह समझ नहीं पाता कि यह टेस्ट किस चीज़ का है, लेकिन वह टेस्ट जो है कंटिन्यूसली बना रहता है। तो यह भी एक पिक्यूलियर, या यूँ कहें कि एक गाइडिंग सिम्टम है मैंड्रागोरा का। पाँचवा जो सिम्टम है वो है मैंड्रागोरा का जो पेशेंट है उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी रहती है सांस लेने में। और यह डिफ़िकल्टी जो है कफ़ की वजह से या म्यूकस के कंजेशन की वजह से उसको महसूस होती है। मैंड्रागोरा का जो पेशेंट है उसकी सारी कंप्लेंस ए टू जेड, जो भी कंप्लेंस उसको वो फेस कर रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, चाहे वो वीकनेस की समस्या हो, चाहे वो मेंटल कन्फ्यूज़न की समस्या हो। एक और सिम्टम होता है कि ओवर सेंसिटिव टू इम्प्रेशंस, यानी कि आसपास जो घटनाएं घट रही हैं वह उसको बहुत ज़्यादा ओवर रूप में लेता है, या उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जैसे पास में कोई आवाज़ महसूस हो रही हो, कोई किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही हो, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम सुनाई देता है, उसको बहुत ज़्यादा वह परेशान करती है। यह भी एक सिम्टम है। अगर इन सभी सिम्टम्स में उसको रात के वक्त आराम लगता हो, या उसको पसीना आने के बाद उसको रिलीफ महसूस होता हो, तो यह मैंड्रागोरा का पिक्यूलियर सिम्टम है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप मैंड्रागोरा ऑफिसिनेरम दे सकते हैं। तो ये थे 4 से 5 जो गाइडिंग सिम्टम्स जिनके बिहाफ पर आप मैंड्रागोरा ऑफिसिनेरम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं अपने सिम्टम्स से मैच करके। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।